बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने सवाल किया था, फ़र्ज़ किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं, सुन्नत क्या होती है, हराम क्या होता है, मकरूह क्या होता है, मकरूह तहरीमी, मकरूह तनज़ीही, मुस्तहब, मुबाह, ये क्या चीज़ें होती हैं और इनका हुक्म क्या होता है। आज हम इनकी इस्तलाहात पढ़ेंगे। सबसे पहले है फ़र्ज़। फ़र्ज़ वो हुक्म शरी है जो दलील कतई से साबित हो, यानी कुरान पाक और हदीस मुतवातिर से साबित हो, और ऐसी दलील के जिसमें शक की गुंजाइश भी ना हो, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। नमाज के बारे में रब्बे कायनात ने कुरान पाक में बारहा मकामात पर इरशाद फरमाया, रोज़े के बारे में इरशाद हुआ, हज के बारे में, ज़कात के बारे में। और ये ऐसे अरकान इस्लाम हैं कि जिनका अदा करना ज़रूरी होता है। अगर कोई मुसलमान फ़र्ज़ का इनकार करे, ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। और जो बिला उज़र फ़र्ज़ को छोड़ दे, ऐसा शख्स फासिक और सज़ा का मुस्तहिक होता है। उसके बाद है वाजिब। वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब वो हुक्म शरी है जो दलील जन्नी से साबित हो और जिसे अदा करने का शरीयत ने लाजमी मुतालबा किया हो। इसकी बजा लाने पर सवाब, यानी इसके करने पर सवाब होगा और छोड़ने पर सजा मिलेगी। अलबत्ता फ़र्ज और वाजिब में फ़र्क ये है कि फ़र्ज का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है और वाजिब का इनकार करने वाला काफिर नहीं होता। फ़र्ज और वाजिब में फ़र्क ये है। उसके बाद है सुन्नत। सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका ऐसा तरीक़ा जारिया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कौल और फेल से साबित हो। मिसाल के तौर पे वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना, इसी तरह वुजू में हर अज़ा का तीन तीन बार धोना, ये सुन्नत है। इसके करने पर अजर मिलता है और ना करने पर मुलामत की जाती है। अब देखना है सुन्नत की अकसाम कितनी है। सुन्नत की दो किस्में हैं, एक होती है सुन्नत मुअक्कदा और एक होती है सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा की तारीफ क्या है? सुन्नत मुअक्कदा क्या होती है? सुन्नत मुअक्कदा वो अमल है जिसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने एक दो मर्तबा तर्क करने के अलावा पूरी जिंदगी किया हो, यानी एक दो मर्तबा छूट गया हो लेकिन पूरी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अमल को करते रहे हों। जैसे अजान, इकामत, नमाज बाजमात वगैरह सुन्नत मुअक्कदा है। ये ऐसे आमाल हैं जिनको अदा करने की हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने तालीम फरमाई है, ताकीद फरमाई है। इसके अदा करने पर अजर मिलता है और बगैर उजर छोड़ देने की आदत काबिले मुलामत और काबिले मुजम्मत होती है। उसके बाद है सुन्नत गैर मुअक्कदा।
सुन्नत गैर मुकदा से मुराद ऐसे काम हैं जिनकी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पाबंदी ना की हो, यानी जिंदगी में कभी कर लिया और कभी छोड़ दिया। मिसाल के तौर पे असर से पहले जो चार सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो गैर मुअक्कदा है, हुजूर अलैहिस्सलाम कभी अदा करते और कभी उनको छोड़ दिया करते थे। इसी तरह हफ्ते में सोमवार और जुमेरात के रोज़े, ये भी सुन्नतें गैर मुअक्कदा है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पीर का रोज़ा रखते, कभी जुमेरात का रोज़ा रखते और कभी छोड़ दिया करते थे। उसके बाद है मुस्तहब। मुस्तहब अमल कौन सा होता है? मुस्तहब ऐसा फेल है जिसके करने पर सवाब होगा और ना करने पर गुनाह और अजाब नहीं होगा। जैसे वुजू के बाद दो नफल तहियतुल वुजू के अदा किए जाते हैं, अगर कोई पढ़ेगा तो उसे सवाब मिलेगा और अगर कोई छोड़ देता है तो वो अजाब का मुस्तहिक नहीं होगा। पता चला मुस्तहब वो अमल कि जिसके करने पर सवाब और जिसके छोड़ने पर गुनाह नहीं होता। मुबाह, उसके बाद आता है मुबाह। मुबाह किसे कहते हैं? वो काम जो शरीयत में ना हलाल हो ना हराम हो, इस फेल को अपनी मर्जी से करने या ना करने पर गुनाह और सवाब नहीं होता। मिसाल के तौर पर लजीज खाने खाना, ना तो ये सवाब है और ना ही ये गुनाह है। इसी तरह नफीस कपड़े पहनना, ना तो ये सवाब है और ना ये गुनाह है, तो ये अमल मुबाह कहलाता है जिसके करने पर सवाब नहीं होता और ना करने पर गुनाह नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आता है हराम। हराम किसे कहते हैं? हराम वो शय या फेल है जिससे लाजमी तौर पर रुकने का शरीयत ने मुतालबा किया हो। यूं समझ ले कि जिस तरह फर्ज का करना जरूरी होता है, इसी तरह हराम का छोड़ना जरूरी होता है। जैसे मुर्दार, मुर्दे का गोश्त खाना ये हराम है, मुर्दार खाना शरीयत में हराम करार दिया गया है। इसी तरह खून, इसी तरह खिंजीर का खाना, नाहक कत्ल करना, बदकारी करना, सूद खाना, शराब नोशी करना, रिश्वत लेना, वालदैन की नाफरमानी करना, गीबत करना, झूठ बोलना, ये सारे हराम काम हैं, इनसे बचना जरूरी है क्योंकि इनकी हुर्मत दलील कति से साबित है। कुरान पाक में बारहा मकामात पर इरशाद फरमाया गया है, मुर्दार से बचो, खून से बचो, नाहक कत्ल से बचो, वालदैन की नाफरमानी से बचो, गीबत से बचो, झूठ से बचो, बदकारी से बचो, सूद से बचो, शराब नोशी से बचो, ये सब हराम काम है, इनसे बचना जरूरी होता है। जबकि इसका इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। जिस तरह फर्ज का इनकार करने वाला काफिर, इसी तरह हराम का इनकार करने वाला भी काफिर हो जाता है। और जो इसका इर्तिकाब करे, जो हराम काम करे, ऐसा बंदा फासिक और फाजिर हो जाता है। उसके बाद है मकरूह। बहुत से काम ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं यार ये मकरूह है, ये मकरूह है। मकरूह की तारीफ क्या होती है? मकरूह किसे कहते हैं? याद रखे, मकरूह वो शय या फेल है जिसके तर्क करने का मुतालबा हतमी और लाजमी तौर पर ना किया गया हो।
जिस तरह हराम के बारे में है कि उससे लाजमी रुकना है, मकरू के बारे में लाजमी तौर पर रुकने का मुतालबा नहीं किया गया। मकरू की दो किस्में हैं, एक है मकरू तहरीमी और एक है मकरू तंजीही। मकरू तहरीमी वो फेल है जिससे लाजमी तौर पर रुक जाने का मुतालबा हो और वह मुतालबा दलील जन्नी से साबित हो, यह वाजिब के मुकाबले में है और इसको अपनाने से इबादत नाकिस हो जाती है। जो बंदा मकरूह तहरीमी अमल करता है उसकी इबादत नाकिस हो जाती है, वो इबादत दोबारा लौटानी जरूरी हो जाती है। मसलन नमाज वितर का छोड़ना, वितर वाजिब है और जो इसको तर्क करेगा वो वाजिब को छोड़ेगा। और याद रखें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने अपनी जिंदगी में इसको कभी तर्क ना फरमाया, कभी ना छोड़ा और इसके छोड़ने पर वाईद सुनाई है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया वितर हक है और जो वितर अदा नहीं करता वो हम में से नहीं। यही अल्फाज हुजूर ने 3 मरतबा दोहराए हैं। इसलिए मकरूह तहरीमी अमल से बचना चाहिए, जो इसका इर्तिकाब करता है उसकी इबादत नाकिस हो जाती है। उसके बाद है मकरूह तंजीही। मकरूह तंजीही वो फेल है जिसको तर्क करने के मुतालबे में शिद्दत ना पाई जाती हो। मसलन मुहर्रमुल हराम के सिर्फ 10वीं का रोज़ा, यानी मुहर्रमुल हराम ने सिर्फ 10वीं का रोज़ा रखना, या तो 9वीं का भी साथ मिलाएं या 11वीं का भी साथ मिलाएं, खाली 10 तारीख का रोज़ा रखना ये मकरूह तंजीही अमल है। इसी तरह औरत का बिला इजाज़त खावंद नफली रोज़ा रखना, जो औरत खावंद की अपने शोहर की इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़ा रखती है वो मकरूह तंजीही अमल करती है, इससे बचना चाहिए। तो ये कुछ इस्तलाहाती, किसी ने पूछा था, सवाल किया था, उसके जवाब में मैंने ये कोशिश की कि जितनी भी इस्तलाहात हैं उनको थोड़ा थोड़ा ज़िक्र कर दिया जाए ताकि हमें पता चल जाए मकरूह किसे कहते हैं, हराम क्या होता है, फ़र्ज़ क्या होता है, वाजिब क्या होता है, सुन्नत क्या होती है, मुस्तहब मुबाह क्या होता है। उम्मीद है सामीन को समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।